नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर उत्तराखंड के चमोली से। फिर बदला मौसम का मिजाज, शुरू हुई पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश। बता दें कि अचानक मौसम ने करवट ली और शुरू हो गई झमाझम बारिश। ऊंची चोटियों में हल्की हिमपात देखने को मिल रही है। इसी बीच इस वक्त चमोली जिले के ऊंचाई वाले ग्रामीण इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। हालांकि दोपहर तक मौसम सुहावना जरूर बना हुआ था, लेकिन अचानक मौसम ने करवट ली और बारिश शुरू हो गई। इस बारिश ने कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी है। स्थानीय किसानों का कहना है कि उनके खेतों में कई प्रकार की सब्जियां बिना पानी के खराब हो रही थी, उनको पानी की जरूरत थी। खेतों में इस वक्त बारिश का होना अति आवश्यक था। बता दें कि इस वक्त कहीं ना कहीं स्थानीय किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। चमोली से नवीन सिंह की रिपोर्ट। फिरोजाबाद से मक्खनपुर के रतन प्रकाश गुप्ता, भावी प्रत्याशी नगर पंचायत की तरफ से सभी देशवासियों को हिंदू नववर्ष व नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रसाद राठौर, पूर्व प्रधान गंगा नेताजी, गांव सवल्ली वाले जिजौली ग्राम प्रधान। मैं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं ग्रामवासी नगर पंचायत को देता हूं और आने वाले नवरात्रि को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जिला चिकित्सालय फिरोजाबाद डॉक्टर अभिषेक सिंह, दंत रोग विशेषज्ञ की तरफ से आप सभी देशवासियों को हिंदू नववर्ष व नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उमाकांत गुप्ता, मंडल उपाध्यक्ष मक्खनपुर। सभी मक्खनपुर नगर पंचायत वासियों को मेरी तरफ से हिंदू नववर्ष व नवरात्रि की शुभकामनाएं। जिला चिकित्सालय फिरोजाबाद डॉक्टर रोहित यादव, दंत रोग विशेषज्ञ की तरफ से सभी देशवासियों को हिंदू नववर्ष व नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं।